अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुशपाश होंगे। आज मैं आपको रेसिपी दूंगी चने की दाल तड़के वाली, जो अक्सर चने की दाल में हम लोग उबाल के उसको बनाते हैं, प्याज टमाटर का तड़का बनाकर उसको बनाते हैं, भूनते हैं। वो एक अलग तरीका है और ये एक मैं अलग तरीके से बनाऊँगी। तो ये ज़्यादातर वाइट राइस के साथ, उबले हुए चावलों के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए मैंने कट करके रखा है इसमें एक टमाटर, एक अदद बड़ा प्याज, धनिया पुदीना और हरी मिर्च, और इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, साबुत ज़ीरा, लहसुन अदरक, नमक के बाद मैंने ऐड किया साबुत ज़ीरा, साबुत गरम मसाला जिसमें मैंने 3-4 लौंग ली हैं, एक बड़ी इलायची और एक बादियान का फूल, हल्दी पाउडर, हुई लाल मिर्च मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ, मतलब 1 टीस्पून से कम है और ज़्यादा है और 1 टेबल स्पून से कम, तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। और ये मैं ऐड करूँगी चने की दाल, मैंने तकरीबन 1 कप ली है। दाल डालने के बबाद मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर दिया है, दाल के हिसाब से जितने दाल में मुझे चाहिए था आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो अब मैं इसको कुकर को बंद करके पकने रख देती हूँ। ये देखें, दाल हो गई है रेडी, बिल्कुल नॉर्मल जैसी दाल मसूर वगैरह मूंग की दाल बनती है। अब इसको हम तड़का लगा देंगे, ये चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है बहुत, तो आप लोग इसको ज़रूर बनाएं। इसको मैं तड़का लगाती हूँ अभी, फिर देखिए। ये है तड़का लगाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, उसमें है कड़ी पत्ता और फिसी हुई लाल मिर्च, सिर्फ इसको गरम करके ऑयल में कलर लाने के लिए कि वो रेड हो जाए, और ये साबुत ज़ीरा और ये है राई। तो जब ऑयल गरम हो जाए तो ये सब हम उसमें डाल के अच्छे से पका के वो हम तड़का लगाते हैं। ऑयल हमारा हो गया गरम, अब ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। ये ऑयल अच्छे से पक जाएगा, इसमें ज़ीरा, कड़ी पत्ता और मिर्चें जो पक जाएंगी। तड़के वाली चने की दाल, इसे आप गरम गरम नान के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है, और चावल के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। इसे ज़रूर घर पे ट्राई करें और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके।
ये मसूर की दाल नहीं है जिसे पतली बनाते हैं, ये है चने की दाल। ये है शोरवे वाली चने की दाल, तड़के वाली, शोरवे वाली, ये जो भी कह सकते हैं। तो ये बहुत मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और इसके साथ अल्लाह हाफिज़।